हेलो व्यूवर्स, डेली हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही इसे अपने सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वजन घटाने के लिए आपको किस तरह से करना है केले के छिलके का इस्तेमाल। जी हाँ फ्रेंड्स, हम केला खाते हैं और उसका छिलका डस्टबिन में डाल देते हैं, लेकिन फ्रेंड शायद आपको पता नहीं है कि केले से भी ज्यादा उसका छिलका फायदेमंद होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, फिर चाहे बात स्किन की हो या फिर हेल्थ की हो या फिर वेट लॉस की हो, केले का छिलका बड़े ही काम आता है। जी हाँ, आप शायद इसे सुनकर थोड़ी देर के लिए चौंक जाएं, लेकिन फ्रेंड्स ये बात बिल्कुल सच है। जी हाँ फ्रेंड्स, भले ही आपने बढ़ते हुए वजन से बचने के लिए केले खाना बंद कर दिया हो, लेकिन वजन को कम करने के लिए आप केले के छिलके जरूर खा सकते हैं। केले के छिलके में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है। केले में पाए जाने वाले मिनरल्स पोटेशियम के बारे में आप जानते ही होंगे कि केले के छिलके में पोटेशियम की मात्रा केले की तुलना में लगभग 40% होती हैं, जो कि फ्रेंड्स वजन कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, और ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, जिससे कि फ्रेंड्स आप आंतरिक कैलोरीज यानी कि एक्सेस कैलोरीज को घटा पाते हैं और शरीर को आवश्यक ऊर्जा भी मिलती है, जो कि फ्रेंड्स आपको लगातार सक्रिय बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। और फ्रेंड्स, पोटेशियम के अलावा केले के छिलके में विटामिन ए, विटामिन बी और साथ ही एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, जो कि हमारी सेहत और साथ ही सुंदरता और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा केले के छिलके मतलब कि बनाना पील में पाए जाने वाले फाइबर की मात्रा केले में मौजूद फाइबर की तुलना में ज़्यादा होती हैं। इससे पाचन क्रिया दुरुस्त रहती हैं और साथ ही फ्रेंड्स कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर होती हैं, जिस वजह से आप अपना वजन कम कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि केले के छिलके में दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक तो सोल्यूबल फाइबर्स और साथ ही दूसरा है इनसोल्यूबल फाइबर, जो कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम करता है। जी हाँ, अगर आप रोज़ाना एक केले का छिलका खाते हैं फ्रेंड, तो फ्रेंड्स आप एक महीने के अंदर देखेंगे कि आपका वज़न काफ़ी कम हो चुका है। जी हाँ, वो भी बिना किसी एक्सरसाइज के। फ्रेंड्स, अब बात आती है केले के छिलकों के सेवन की। जी हाँ, तो ऐसे में फ्रेंड्स आप घबराएं मत। अगर आप केले के छिलकों को डायरेक्ट तरीके से नहीं खाना चाहते हैं, तो ऐसे में अलग अलग स्वाद भरे तरीकों से आप इनका प्रयोग करके इसका फायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए आपको बता देती हूँ पतले होने के लिए केले के छिलकों का इस्तेमाल करने की विधि क्या है। फ्रेंड्स, सबसे पहला तरीका है केले के छिलकों का सूप यानी कि बनाना पील सूप। जी हाँ फ्रेंड्स, पतले होने के लिए सबसे अच्छा है कि केले के छिलकों का सूप बनाकर पिएं। जी हाँ फ्रेंड्स, केले के छिलकों का सूप बनाकर पीने के लिए पानी में केले के छिलके को डालिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप इस पानी में थोड़े से जीरे और सती काली मिर्च को भी डाल दीजिए और इसे गाढ़ा होने दीजिए। अब आप इस सूप को पी लीजिए। फ्रेंड्स, 15 दिनों में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, और तो और इस सूप में जीरा और सती काली मिर्च का प्रयोग करने से यह आपके हेल्दी वेट लॉस सूप को बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाता है, जिससे कि आप आसानी से सूप को पी सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स आप भी ये टेस्टी बनाना पील सूप बनाकर ज़रूर पीजिए, इससे आप जल्दी से जल्दी अपना वजन घटा सकते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें डेली हेल्थ टिप्स को, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। दोस्तों, आप केले के छिलकों की स्मूदी बनाइए। जी हाँ, केले के छिलकों की स्मूदी बनाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। स्मूदी बनाने के लिए फ्रेंड्स केले के छिलकों को दूसरी चीज़ों के साथ मिलाइए, और आप स्मूदी बनाने के लिए इसमें नारियल का दूध व इलायची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिए, आप स्मूदी को बनाने के लिए पके हुए केले के छिलकों का ही इस्तेमाल कीजिए। फ्रेंड्स, आप केले के छिलकों की चाय भी बना सकते हैं। जी हाँ, आप सुबह सुबह केले के छिलकों की चाय पीकर भी पतले हो सकते हैं। फ्रेंड, चाय बनाना बहुत ही आसान है और ये जल्दी फायदा भी पहुँचाती हैं। फ्रेंड, चाय बनाने के लिए आप केले के छिलकों को पानी में उबाल लीजिए और इसमें एक चम्मच शहद यानी हनी को डालकर पी लीजिए। फ्रेंड्स, इससे आपका वज़न एक महीने के अंदर अंदर कम हो जाएगा और आप स्लिम भी दिखेंगी। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो कच्चे केले के छिलकों की चटनी या फिर सब्जी यानी कि सॉस या फिर करी बनाकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा इसका रायता भी बनाया जा सकता है, जो कि फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वेट लॉस के लिए, इसीलिए आप इसका रायता बनाकर भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आपने जान लिया है वज़न को कम करने के लिए आप किस तरीके से कर सकते हैं केले के छिलके का सेवन। चलिए अब जान लेते हैं केले के छिलकों से होने वाले दूसरे स्वास्थ्य लाभों के बारे में।
सबसे पहला है फ्रेंड्स, कैंसर को ठीक करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, केले का छिलका सुंदरता को निखारने और सती वेट लॉस के अलावा कैंसर भी ठीक करता है। दरअसल केले के छिलके में कैंसर रोधी तत्व यानी कि फ्रेंड्स एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज प्रचुर मात्रा में होते हैं, जो कि फ्रेंड्स आपके बॉडी में सफ़ेद रक्त कणिकाओं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स का निर्माण करने में सहायक होते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स आप केले के छिलके का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, इन्हें खाएं और हेल्दी रहें। दोस्तों आपके ब्रेन के लिए अच्छा है केला और सती केले का छिलका। जी हाँ, हम सभी चाहते हैं कि केले में पोटेशियम और सती मैग्नीशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में फ्रेंड्स केले में से एनर्जी धीरे धीरे निकलती है, जिससे हमारा ब्रेन अलर्ट बना रहता है, जिसके बदले में फ्रेंड्स हम हमारे काम पर बेहतर तरीके से फोकस कर पाने में सफल होते हैं। लिहाजा फ्रेंड्स ब्रेन के बेहतर काम करने के लिए केला और सती उसका छिलका दोनों भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसीलिए फ्रेंड्स आप इसका सेवन ज़रूर कीजिए। आँखों की रोशनी बढ़ाता है केले का छिलका। हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी आँखों की रोशनी कमज़ोर है तो ऐसे में केले का छिलका खाने से वो वापस तेज़ होने लग जाएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, लगातार केले के छिलके खाने से चश्मा तक हटाया जा सकता है, क्योंकि केले के छिलके में ल्यूटिन नाम का तत्व पाया जाता है। इसमें विटामिन ए भी होता है, जो कि फ्रेंड्स आपकी आँखों की रोशनी को तेज़ करता है और साथ ही आँखों में मोतियाबिंद यानी कि कैटराइट्स होने से भी आपको रोकता है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आपको रात को सोते समय नींद नहीं आती है तो भी केले का छिलका खाइए और भरपूर नींद पाइए, क्योंकि फ्रेंड्स इस छिलके में ट्रिप्टोफन नाम का एक तत्व होता है, जो कि हमें अच्छी और सती सुकून भरी नींद लेने में हेल्प करता है। इसीलिए अगर आपको इंसोम्निया या फिर नींद आने की समस्या है तो ऐसे में फ्रेंड्स आप केले के छिलके का सेवन ज़रूर कीजिए। दोस्तों आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है केले का छिलका। जी हाँ, केले के छिलके में विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि फ्रेंड्स इम्यूनिटी को मजबूत कर इन्फेक्शन से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होने के साथ ही विटामिन बी, ख़ासतौर से फ्रेंड्स विटामिन B6 की मात्रा ज़्यादा होती हैं, जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहती हैं। इसीलिए फ्रेंड्स आप इसका सेवन कीजिए और अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत कीजिए। और इसका सबसे लास्ट वाला फ़ायदा है फ्रेंड्स, सिर का दर्द दूर होता है। जी हाँ, केले के बजाय केले के छिलके का इस्तेमाल करें। इसके छिलके सिर दर्द को दूर करने में बेहद ही सीधा असरदार साबित होते हैं। अक्सर फ्रेंड्स सिर का दर्द खून की धमनियों के उत्पन्न होने वाले तनाव यानी कि स्ट्रेस के कारण होता है। इसके लिए इसके छिलकों को पीसकर उसका पेस्ट बना लीजिए और 15 मिनट तक इस पेस्ट को सिर पर लगाने से इसमें मौजूद मैग्नीशियम आपके रक्त की धमनियों में जाकर सिर के दर्द को रोकने में सहायक होता है। इसीलिए फ्रेंड्स आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करके देखिए, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। सो फ्रेंड, देखा आपने किस तरह से केले के छिलके केले से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है ना। जी हाँ, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम से आप केले के छिलकों को मत फेंकिए, बल्कि आप इसका इस्तेमाल कीजिए और अपने आप को बनाएं हेल्दी। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक के लिए यू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।